भाई यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन है, सुबह तो पता नहीं कुछ कुछ चलता रहता है, मतलब पूरे दिन इस स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर रात को मूवी चलती है 6 से 9 तक शायद कुछ ऐसा है। देखो अभी मूवी चल रही है और लोग मतलब वहाँ पे बैठ के आप देख सकते हो, मस्त सिनेमा सा बन जाता है। मेरे को तो भूख लग रही है भाई, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, अपनी लैपटॉप में देखेंगे। अरे यार मस्त, सही बताऊं तो वहां से यहां तक चल के आया ना, बड़ा ही मस्त फीलिंग आई लाइफ में यार, करना चाहिए। और इतना महंगा नहीं है, अगर आप यहां पे आ रहे हो तो मैंने बताया ही, कुछ भी महंगा नहीं है, 50,000 रुपये में, उससे भी कम दिए हमने तो, हमने कुछ 47,000, और उसमें 7-8 दिन का 3 टाइम खाना ही यार, मतलब आप किस देश घूम रहे हो इतना खा जाओगे। पे हम गए थे अनंदाले फॉल्स, ठीक है, इसका देखो एक्सकर्जन, मतलब ये क्रूज वाले भी बेचते हैं ये सारी चीजें ना, आपको मतलब पैकेज में भी मिल जाएगा, $55 पर पर्सन। भाई साहब आप ये सोचो कि हम ये चीज $4.5-5 में करके आ गए और ये $55 में बेच रहे हैं। चलो ग्रैंड एटांग, फोर्ड फ्रेडरिक, ये सब तो फालतू की चीजें हैं, ये भी अगर आप चाहो तो भाई $10 में सारा कर सकते हो, अगर मतलब खुद से करो तो यही होता है भाई कि मतलब खुद से करोगे तो हमेशा चीज सस्ती पड़ेगी, खुद का दिमाग यूज करोगे, ये आपका सारा अरेंज करने के लिए ले रहे हैं। तो ये कल का था और ये देखो ये कल मतलब जो आने वाला कल है उसका है, $119.45, और ये सब हम करना चाहें तो भाई $10-15 में कर सकते हैं। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नए देश में जिसका नाम है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियर्स। तो ये हमारे इस टूर का है बारबाडोस, ट्रिनिडाड टोबैगो, फिर ग्रेनेडा और फिर आया अपना सेंट विंसेंट्स। देखो शिप ने उनका झंडा भी लगा दिया, फ्लैग सेंट विंसेंट्स का। तो भाई इसके बाद 2 देश और जाएंगे फिर वापस बारबाडोस। तो सेंट विंसेंट्स जो है ग्रेनेडियस, ग्रेनेडा जो देश है, तो सेंट विंसेंट्स मतलब एक ये बड़े वाला आइलैंड है, इनकी कैपिटल है किंग्स टाउन, जमैका की कैपिटल है किंग्स्टन, तो दोनों सेम है पर इनका है किंग्स फिर टाउन लगाते हैं ये किंग्स टाउन, ठीक है। और ये इनका सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है सेंट विंसेंट्स। और जो ग्रेनेडियर्स है, ग्रेनेडियर्स वो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड है, जो है 32 आइलैंड है उसमें, और उसमें सिर्फ 8 ही आइलैंडों पर लोग रहते हैं। और ग्रेनेडियर्स शायद उन आइलैंड्स का नाम इसलिए है क्योंकि वो ग्रेनेडा के पास हैं, तो मतलब ऐसे ही रख दिया सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियर्स, कुछ ऐसे करके रख दिया होगा। 6% इंडियन लोग रहते हैं यहाँ पे और 3.5% लोग हिंदुइज्म फॉलो भी करते हैं इस देश में। तो मैं आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखाता हूँ। कितने लोगों ने वो मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का फर्स्ट पार्ट, ब्लैक पर्ल वाली? तो वो जो मूवी है उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स सेंट विंसेंट्स में शूट हुए थे, और यहाँ पे अभी भी मतलब उसके जो क्या कहते हैं उसको, अरे वो प्रॉप्स अभी भी यहीं पे रखे हुए हैं। शिप जहाँ पे खड़ा है वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है वो प्रॉप्स, मतलब जहाँ पे पूरा मतलब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का बना रखा है इन्होंने। एक ही मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, अब मैं आपको अपनी इंटरेस्ट का बता देता हूँ मेरे को क्या एक ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी कि एक एयरपोर्ट है जो कि अबेंडेंड है, मतलब वो एयरपोर्ट बंद हो गया, वो मतलब जो रनवे था उसको रोड बना दिया है, और मतलब वो इसलिए बंद कर दिया इन्होंने, उसके पीछे एक बहुत खतरनाक रीज़न है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। इनकी जो GDP है ना वो है $1.2 बिलियन, 1 बिलियन मान लो आप, ठीक है, और इन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया $246 मिलियन खर्च करके। क्यों बनाया इन्होंने नया एयरपोर्ट? क्योंकि अमेरिका, कनाडा, यूके से टूरिस्ट तो इन आइलैंड पे आना चाहते थे, पर दिक्कत क्या हो रही थी उन टूरिस्ट को, उनको करके आना पड़ रहा था ट्रांजिट, और ट्रांजिट कहाँ पे करना पड़ रहा था उनको, बारबाडोस और सेंट लूसिया। अब टूरिस्ट वहाँ पहुँच गए हैं तो टूरिस्ट सोचते कि अपना बजट हम इन आइलैंड पे भी खर्च कर देते हैं,
तो इनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई मतलब हमारा जो बजट है वो वहाँ पे खर्च भी कर रहे हैं लोग और हमारे यहाँ पे कम लोग आ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ ये छोटा एयरपोर्ट था इनके पास। तो इन्होंने अपने जीडीपी का जो मतलब पूरे देश की आमदनी है उसका 25% का खर्चा करके इन्होंने एक एयरपोर्ट बना दिया भाई, जो ताइवान की मदद से बनाया ऑब्वियसली बात है। पर सोचो यार कि टूरिज्म इनके लिए कितनी बड़ी चीज़ हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो भाई मेरे इंटरेस्ट में लगी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और एक वो एयरपोर्ट। तो दोनों विजिट करने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट पास ही है, यहाँ पे चिपखड़ाई से 3 किलोमीटर दूर है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन थोड़ा दूर है, वो 25 किलोमीटर है। तो देखते हैं दोनों विजिट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। और अब बज रहे हैं दोपहर के 12:30, लंच कर लिया है और 5:30 बजे वापस आना शिप पे। और करेंसी है वही ईस्ट कैरेबियन डॉलर यूज़ करते हैं जो ग्रेनाडा यूज़ करता था। करेंसी हमारे पास ऑलरेडी है जेबों में। हमारे कमरे के बाहर ना नोटिस आ रखे थे कि मैंने $419 खर्च कर दिए और परमवीर ने कितने कर दिए $436। और हमको खुद नहीं पता हमने कहाँ खर्च कर दिया, हमने 1 रुपया भी पूरे क्रूज पे खर्च नहीं करा अभी तक, 1 रुपया भी। और ये पता नहीं कहाँ से क्या नोटिस आ गए, ये पहले सेटल करके आते हैं भाई। उसमें ना लिखा था कि बैलेंस इतना बचा है, पर इनकी थोड़ी इंग्लिश ऐसी है तो मतलब बैलेंस का मतलब है कि इतने डॉलर हमने खर्च करे हैं 64, और 64 खर्च कहाँ करे हमने, ग्रेटिट्यूड मतलब $16 पर दिन के हिसाब से ग्रेटिट्यूड्स काट रहे हैं मतलब टिप। तो ये भी चाहो तो भाई आप एडजस्ट करा सकते हो, पर एक दिन के लिए इतनी सरदर्दी बहुत है तो हम इसको बाद में एडजस्ट करा लेंगे। आज भाई शिप सीधा खड़ा किया है कैप्टन ने तो इस तरफ मुंह करके, वरना ये मुंह तो भाई देखने को नहीं मिला। ये हम आ गए क्रूज टर्मिनल पे किंग्स टाउन के। ये है इनका झंडा, अगर आपने अभी तक ढंग से नहीं देखा, डार्क ब्लू ग्रीन येलो फिर 3 वो डायमंड से हैं बीच में ग्रीन कलर के। ये यार पोर्ट पे ही मतलब सारा टूरिस्ट के लिए बना देते हैं, कोई कहीं जाना ही ना पड़े बंदों को, यहीं पे सारा शॉपिंग का बना दो। दोनों लोकेशंस का मैंने पता करा, यहाँ पे रेंटेड स्कूटी तो मिलना नामुमकिन है, मिल जाएगी, पर बात क्या है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो उसको आप पुलिस स्टेशन पे जाके पहले उस पर मोर मरवा के आनी पड़ेगी, जिसके पैसे भी लगते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होएगा। तो फिर एक टैक्सी वाले से हम पूछ रहे, टैक्सी वाले ने सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि अगर आपको बस लेनी है वहाँ तक तो भाई आपको मेन टाउन में वॉक करके जाना पड़ेगा, जो कि 20 मिनट लग जाएंगे। मैंने कहा भाई 2 किलोमीटर दूर तो नहीं होगी तुम्हारी मेन टाउन, क्योंकि 20 मिनट में 2 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ, हर किलोमीटर का 10 मिनट मान के चलो। और एक वो अबैंडन्ड एयरपोर्ट है वो है यहाँ से बस 3 किलोमीटर, अगर हम वॉक करके भी जाएंगे ना तो 35 से 40 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं। और ये बता रहा था जो वो एयरपोर्ट है ना, अब वो अबैंडन्ड नहीं है, मतलब उसको क्या है यूज़ कर लिया इन लोगों ने, एज ए रोड यूज़ कर लिया। और जो उसके मतलब एयरपोर्ट की बिल्डिंग होगी ना उसमें इन्होंने दुकानें खोल दी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी यार देखने वाली कि मतलब ये भी कर सकते हैं कि ऐसे एयरपोर्ट पुराना हो जाए तो उसको ऐसे यूज़ कर दें लोग। वैसे ही खैर ज़मीन की कमी है, पहाड़ी एरिया है, जो फ्लैट था भाई उसको तो यूज़ करेंगे ऑब्वियसली बात है। पूरे देश में कुल 1 लाख लोग हैं तो चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है हमको। थैंक यू। तो भाई अभी मैं बाहर बैठा था, परमवीर आया नहीं था क्रूज से, तो 5 मिनट में ऐसे डेस्क पे बैठा था तो एक लड़की आती है और कहती है दैट्स द वन आइलैंड यू डोंट हैव टू गो अलोन, मतलब दूसरे लोगों से कह रही थी। तो मेरे मन में आया कि पूछ लूँ, मेरे को पता तो था कौन से आइलैंड का नाम, लेकिन मैंने पूछ लिया, कहती त्रिनिदाद। तो मतलब इसलिए उस दिन ना ज़्यादा लोग बाहर घूमने निकले नहीं, क्योंकि काफ़ी बदनाम है वो आइलैंड मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में। और इस टैक्सी वाले को लगा मैं रोड क्रॉस करने वाला हूँ इसलिए हॉर्न मार दिया। तो वैसे मेरे को सही लगा, इतना अनसिक्योर फील नहीं करा मैंने वहाँ पर, चलो हो भी सकता है डेंजरस। मेरा कैरिबियन में ना 4th आइलैंड है और 4th आइलैंड पे भी KFC मेरे को मिल गया, और पक्का सब्वे भी होगा यहाँ पे, क्योंकि इनको पता है अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं KFC सब्वे खाएंगी दे वोरा कहते ही आ गया भाई देखियो। तो भाई इतने KFC सब्वे नहीं देखे मैंने। ये यहाँ का सेंट्रल पुलिस स्टेशन कितना पुराना लग रहा है ये।
भाई जैसे ग्रेनाडा में टैक्सी थी ना वैसी है ये, और ये हमको लेके जाएगी पुराने एयरपोर्ट, मतलब रूट पे पड़ता है वो, तो हम बीच में कहीं उतर जाएंगे। $2 फीस बताई जो मेरे साथ आंटी बैठी है उसने, फीस मतलब फेयर। पहुंच गए हैं पुराने एयरपोर्ट पे, जो आपने आते वक्त देखा होगा वो रनवे था, ये कंट्रोल टावर लग रही है मेरे को ऑरेंज वाली जो है, ये है एयरपोर्ट की बिल्डिंग। देखो वो गाड़ियां वहां से जा रही है ना, हाई रनवे के ऊपर से एक और रोड बना दी उन्होंने क्रॉस करने के लिए, दिखाता हूँ आपको। ये मेरे को लग रहा है कंट्रोल टावर होगी, और ये एयरपोर्ट का टर्मिनल होगा जो इन्होंने उसमें बना दिया, क्या कहते हैं उसको, मॉल में। तो काफी इंटरेस्टिंग है यार, और पूरा एयरपोर्ट की पट्टी आखिरी तक जाती है समुंदर तक, तो वहां तक चलेंगे। तो ये एयरपोर्ट पुराने वाला, अब यहाँ पे दुकानें हो चुकी हैं, तो अच्छी तरह पूरा तब्दीली कर दिया यार मेरे हिसाब से। तो देखो आईफोन 12 मिनी 3000 का, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो आप, ये 90,000 रुपए का भाई यहाँ पे आईफोन 12 मिनी। और इससे पता चलेगा ये वाले फोन अभी भी बिकते हैं यहाँ पे, वो भी 4000 रुपए का। देखो ये थी बिल्डिंग भाई पहले, द जोशुआ सेंटर, वो कंट्रोल टावर, और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम लिखा होगा जो पहले था, नीचे लिख दूंगा मैं जो नाम था। अब यहाँ से हम निकल के आए हैं और सामने ही आ गया रनवे, इतना ही था बस रनवे, पर यहाँ से जा नहीं सकते, घूम के जाना पड़ेगा। देखो वहाँ तक है पूरा रनवे, वो आज समुंदर है, और वहाँ से देखो रास्ता काट दे बीच में से हाईवे का, रनवे के उस तरफ मेरे को लग रहा है स्कूल बना दिया अब। और ये मेन रोड, मतलब पहले बीच में आ जाता हो ना, अब यहीं से कनेक्ट कर दी उस तरफ जाने के लिए। चलो वहाँ तक चल के देखते हैं समुंदर तक, क्या हमको अपना शिप दिखाई देता है, मेरे को लगता नहीं क्योंकि पहाड़ बीच में आ जाएगा, पर फिर भी चलते हैं। तो ये एयरपोर्ट की मार्किंग्स अभी तक है इस तरफ येलो कलर में, रोड पे तो होती नहीं है थी मार्किंग्स, एयरपोर्ट की है सारी। चलो वहाँ तक चलते हैं, 5 मिनट पहुँच जाएंगे। देखो अब रनवे पे गाड़ियाँ चल रही हैं, मज़ा आ जाता है कि यहाँ पे स्कूटी रेंट होती है, रनवे पे चलाते स्कूटी। काफ़ी चल के आया है मैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, रनवे काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब ये पूरा नज़ारा। और बीच में अब तो भाई रनवे पे भैंस भी आती हैं, देखो एक ये भैंस, एक उसके पीछे भी है, वो देखो वो निकली उसकी मंडी, एक और थी, तो अब तो ये नॉर्मल लोग यूज़ कर रहे हैं, एक वो बैठी देखो भैंस, भैंस का है पता नहीं क्या है, थोड़ा सा और रह गया बस, चलते हैं वहाँ तक देखते हैं, मज़ेदार होगा नज़ारा। ये देखो भाई अब आ गया मैं बीचों बीच, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही। ये मैं आ गया हूँ भाई रनवे के एंड पे, तो यार जिस देश की GDP 1 बिलियन हो और वो उसका 1/4 हिस्सा एक नया एयरपोर्ट बनाने में लगा दे, सोचो उसके लिए कितना टूरिज्म जरूरी होगा, तभी यहाँ के लोग टूरिस्ट से अच्छी तरह बात करते हैं, तभी यहाँ की सरकार ना, मतलब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं ना, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ वीडियो मत बनाओ वहाँ वीडियो मत बनाओ, तो भाई टूरिस्ट को यार एनकरेज करना बहुत जरूरी है अगर किसी कंट्री में आप बुलाना चाहते हो। तो कैरेबियन के सारे आइलैंड्स को पता है कि हम टूरिस्ट से अगर अच्छी तरह बिहेव नहीं करेंगे तो आज जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, ये $15,000 कमा रहे हम साल के, $20,000 कमा रहे कई कैरेबियन आइलैंड, टूरिस्ट के साथ अगर अच्छा नहीं होएगा तो भाई वो नहीं कमा पाएंगे। जैसे त्रिनिदाद को डेंजरस मानते सारे टूरिस्ट, तो भाई वो इतना अच्छी तरह नहीं कमा पा रहे हैं, उनकी सैलरी थोड़ी कम है और आइलैंड से। तो यही है, इनके पासपोर्ट पे भाई जितने भी कैरेबियन आइलैंड हम विजिट कर रहे हैं, इनके सबके पासपोर्ट पे यूरोप और UK फ्री है, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। 163 देश बारबाडोस के पासपोर्ट पे फ्री थे, सेंट विंसेंट के पासपोर्ट पे भी शायद इतने ही फ्री हैं, और सेंट लूसिया के भी इतने फ्री, यूरोप तो सबके फ्री है, UK ने किसी किसी को दे रखा है, मतलब बारबाडोस को दे रखा है, और भी काफ़ी सारे देशों ने वीज़ा फ्री कर रखे इन देशों के लिए। तो और हाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं वेस्ट अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पे था इकोवास, इकोवास मतलब ये इकोनॉमिक एक मतलब संगठन वेस्ट अफ्रीकन नेशंस का, कैरेबियन में है कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम करके जिसको कहते हैं, उसमें 15 देश हैं, ठीक है 15 देश जितने भी हम जा रहे हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, और 4-5 ऐसी टेरिटरीज हैं, मतलब कोई UK की टेरिटरी है, कोई मतलब फ्रांस की टेरिटरी है, वो भी उनके मेंबर है। तो इन सब ने भी अपना एक गुट बना लिया
कि भाई ताकि हम मतलब फ्री ट्रेड कर सकें और मतलब ज्यादा मतलब इकोनॉमी बेटर कर सके अपनी अपनी कंट्रीज की। तो सोचो यार इन छोटे छोटे आइलैंडों ने इतनी बेटर कर ली इकोनॉमी अपनी। तो यार टूरिज्म मेरे को लग रहा है इंडिया में इतना ज्यादा हो सकता है ना अगर थोड़े बहुत सुधार हो जाएं, बहुत ज्यादा टूरिज्म हो सकता है इंडिया में और उससे अपनी इकोनॉमी मतलब जैसे स्पेन है यार, स्पेन मतलब बिल्कुल डूबी हुई कंट्री है, मतलब बिल्कुल स्पेन का पैसे नहीं। अगर आप मैं सच बताऊं तो आपको, मैं विजिट कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं, उनकी इकोनॉमी भी देख चुका हूं मैं, पर उन्होंने टूरिज्म को इतना प्रमोट किया है ना कि उनके इतने पैसे आते हैं ना टूरिज्म से कि हम सोच भी नहीं सकते। तो चलते हैं शिप की तरफ। अब देखो भाई यहाँ पे भी रेड लाइट वगैरह नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस लेडीज है यार यहाँ पे भी। मैंने यार इस देश में एक बात और देखी कि यहाँ पे ना सोविनियर मैग्नेट की दुकानें नहीं थी, एक भी नहीं मिली भाई हमको। इतना हम चल के गए 2.5-3 किलोमीटर, एक भी दुकान नहीं मिली। और एक दुकान में हमने पूछा, मतलब लग रही थी ऐसे कि सोविनियर मैग्नेट टाइप बेच रही हो, हमने पूछा टू है फ्रिज मैग्नेट, तो चाइनीज बंदी थी मतलब थोड़ी 40-45 साल की, ऐसे रूड तरीके से नो, जैसे कि उनको टूरिस्ट चाहिए ही ना। तो मतलब शायद टूरिस्ट अभी अभी आना शुरू हुए हैं यहाँ पे, इसलिए मतलब ये इतना इंटरेस्टेड है नहीं अभी टूरिज्म में मेरे को लग रहा है, पता नहीं। मेरा जिंदगी का सबसे महंगा मैग्नेट लिया है, ये वाला लिया है मैंने $8 का, US डॉलर का। मतलब वैसे इन्होंने ना थोड़ा ईसी में कन्वर्ट करोगे तो आप ये 22 का पड़ता है, पर इन्होंने 20 लिख रखा है, तो लोकल करेंसी हमेशा फ़ायदेमंद रहती है। और मैंने लिया भाई एक कॉइन्स का सेट, वो दिखाता हूँ आपको, वो इंटरेस्टिंग है। क्या मैंने कॉइन सेट, ये $1 का तो खर्च ही कर देंगे, ये 25 पैसे भी खर्च कर देंगे, और ये सारे यार कहीं मिलते ना मिलते, मैंने इसलिए ले लिए। एक का, दो का, पाँच का, दस का, 5-10 शायद मिल जाता पर ले लिए, चलो कोई नहीं, $2 में दिया ये तो कुल मिला के, तो $1.25 तो इसमें से खर्च ही कर देंगे हम। मतलब 5 ईस्ट कैरेबियन दिया है, $1.25 तो खर्च ही कर दूंगा मैं। अभी ना परमवीर और मैं ऊपर है जरा जी, परमवीर और मैं यार वो टिप्स का सुबह बिल आ गया था, आपको बताया था ना, तो यार 8 दिनों के टिप्स का बिल हो जाता है $128 मेरा और $128 परमवीर का, $256, जबकि हमने पूरा क्रूज ही यार $1200 में बुक किया है। तो $256 मतलब आप सिर्फ टिप्स में देने की कैसे सोच सकते यार, $256 मान लो ये 22,000 रुपये। तो हम सुबह गए थे तो यार एक मेक्सिको का बंदा था, हम सोच रहे कोई इंडियन बंदा होगा तो हमारी बात समझ जाएगा, तो हम गए। अभी योगेश भाई थे यहाँ पे, इंडियन बंदे थे, दिल्ली से ही थे, तो भाई हमने जाते ही कहा कि टिप्स मॉडिफाई करानी है, तो कहता क्या मॉडिफाई कराना चाहते हो, तो परमवीर बोला आधे सारे आधे। तो फिर हमने बाद में ये भी पूछ लिया कि पिछले दिनों की भी हट गई या आगे की भी हट गई क्या, सुबह तक 45 तो सारी हटवा दी। और वो ऐसे भी बता रहे थे कि भाई बहुत सारे गोरे भी आते हैं हटवाने, तो भाई ये बात है यार जो शर्म का यूं था कि कोई अंग्रेज हो ना तो यूं कह देंगे कि एशिया में अच्छा नहीं मान जाता, और सही में नहीं मान जाता जापान साउथ कोरिया में, तो भाई वो माना जाता है, वो तो बता रखा है मैंने। तो भाई ये सही है अपना, मतलब यार देखो जो जो पैसा दे रहे हैं यार उसकी सर्विस मिलनी चाहिए, और हमारे लिए कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ यहाँ पे कि हम दोनों के लिए कुछ ऐसा स्पेशल किया हो, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो हमें ठीक लगे उसे अलग से दे देंगे भाई। हाँ वो तो हम देते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर यार $32 पर डे रूम का, मतलब एक माले रूम का भाड़ा दे रहे हैं एक तरह से। चल अभी जा रहे हैं जिम, और अभी मैं आज ऊपर आ गया हूँ तो डॉक से जाते हुए दिखाऊंगा मैं शिप को। भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आई होप वीडियो ठीक ठाक बनी होगी, और अगली वीडियो में आपको मिलेंगे हम डोमिनिका में, और क्रूज स्टार्ट हो चुका है, बस हम पैक करके ले जाएंगे, आज सीधा लगा हुआ था। तो अगली कंट्री में आपको मिलते हैं जिसका नाम है डोमिनिका, जो कि कल सुबह सुबह ये क्रूज हमको पहुंचा देगा, जिसकी दूरी यहाँ से है सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर, तो कल सुबह 8 बजे हम पहुँच जाएंगे।